एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज, एक खुशखबरी, आप कह सकते हैं कि 2022 का अभी तक का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर में JKSSB के द्वारा 1395 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं JKSSB के रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें स्पेसिफिकली जो पोस्ट का नाम है वो आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। JKSSB पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट अनाउंस किया गया है और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो है 3 of 2022। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं, इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसकी कितनी आप कह सकते हैं कि पे स्केल रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी एज क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे प्रिपरेशन किया जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया करियर सक्सेस जम्मू इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैचेस स्पेसिफिकली फॉर VLW और बाकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट पहले से ही हो चुके हैं, फिर भी और भी अपकमिंग बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। 1 जून सुबह 9 बजे से फ्रेश बैच स्टार्ट किया जाएगा, तो आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है इसमें एडमिशन लेने का। सभी डिटेल्स आपके सामने है, कॉलिंग नंबर है 9419145317 और एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। इस पूरे रिक्रूटमेंट में जो ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, एक बेसिक ग्रेजुएट लेवल सिलेबस है, आप सभी को इसमें ये कवर किया जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस के टाइम नहीं निकाल सकते, तो ऑनलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा, 1 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था आज ही कि सर फॉर्म निकल गया है, तो हमने आज से ही इसकी एडमिशन स्टार्ट कर दी है। ऑनलाइन कोर्सेज में लिमिटेड सीट्स की वजह से इसका जो लेने का तरीका है, कैसे आप परचेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप करना आपने 9419145317 पर। इसी के साथ जो अभी प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स हो चुकी हैं उसमें जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेट्स, जिसमें मैं आपको वन बाय वन मिलाऊंगा अभी। सबसे पहले बात करते हैं जहीर की। जहीर की सिलेक्शन हुई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में और इनका स्कोर ज़बरदस्त 100.73 out of 120 और रैंक आपके सामने है। इसके बाद बात करते हैं हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट नवीन की, जो कि JKSSB माइग्रेंट रिक्रूटमेंट में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। इनके बैच के और भी काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनसे भी आपको वन बाय वन मिलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं चेतन, जो कि उधमपुर से है, ये हमारे ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट थे जिनकी भी एज ए सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में सिलेक्शन हुई है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वन बाय वन सिलेक्शंस ले रहे हैं, इनसे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इन्हीं की तरह अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए डिटेल्स आपके सामने हैं, लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करिए माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप, स्टोर में जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक छोटी छोटी अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए करियर सक्सेस का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, फ्री क्विज भी आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अपकमिंग बॉर्डर बटालियन पेपर भी होने वाला है, तो इसके भी ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो यू कैन इजीली स्टार्ट, डिटेल्स आपके सामने मैंने दे रखी हैं। तो अब इन सभी चीज़ों के बाद स्टार्ट करने का टाइम है हमारी आज की वीडियो, जिसमें एक एक करके पूरी नोटिफिकेशन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखेंगे। JKSSB का जो आज फॉर्म निकला है, एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा आपने याद रखना है जो भी आप फॉर्म भरे, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको भूले ना जो आपने फॉर्म भरा। ठीक है, डेट देख सकते हैं आप आज की, 26/2022, 5वां महीना। पोस्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है पहले वो भी देख लेते हैं।
डिपार्टमेंट का नाम है जी आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 1395 अप्रॉक्सीमेट 1400 वैकेंसीज। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है अगर हम देखें रिक्रूटमेंट का, राइट? ओके, फॉर्म भरने की डेट, जो आपने फॉर्म फिल करने हैं, अप्लाई करना है, 6 जून 2022 यानी कि अगले महीने शुरू होगा और 6 जुलाई 2022 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है जी, चलते हैं आगे, वन बाय वन सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टोटल वोट फिर से आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम चले आगे, वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप जानते ही हैं कि आप जम्मू कश्मीर में किसी भी नौकरी के लिए अगर आपने तैयारी करनी है या भरना चाहते हैं फॉर्म, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। डोमिसाइल के रूल्स 2020 में अनाउंस किए गए थे, तो आई एम 100% श्योर आप सभी को पता ही है कि डोमिसाइल में कौन कौन फॉल करता है। अब बात करते हैं इसकी एज के बारे में। एज एज ऑन एज जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2022 के हिसाब से। ओपन मैरिट, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर कि आपको दिख रहा होगा। ओपन मैरिट 40, SC 43, ST 43, RBA 43, ALC, IBC अगर आप हैं तो 43। इसके बाद बाकी की जो कैटेगरीज है एज के लिए अगर उसकी बात करें, EWS 43, PSP 43, सोशल कास्ट 43, फिजिकली चैलेंज 42, एक्स सर्विसमैन 48, गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 40, 40 साल तक। ये सभी हमने बात की अभी क्वालिफिकेशन सॉरी एज लिमिट की। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस रिक्रूटमेंट का रखा गया है वो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पोस्ट निकली है ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपका होगा चलेगा, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स, साइंस वगैरह वगैरह, आपको बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए। और जिनका तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही। जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है और अगर आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक रिजल्ट आ जाता है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में डाल के रखना, ये स्पेशली आपके सामने लिखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट फिक्स्ड फॉर फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब फॉर्म भरने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये हो गई जी हमारी क्वालिफिकेशन की बात, वैकेंसीज की बात, रिजर्वेशन किस कैटेगरी की कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं किस तरह की ये रिक्रूटमेंट है। ये यूटी वाइज है, डिवीजन वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सारा कुछ। फॉर्म भरने के लिए जो फीस है वो आपकी 500 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और 400 रुपये रहेगी बाकी सभी जो भी कैटेगरीज है मेंशन की गई हैं। ओके, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर जो है एग्ज़ाम का वो आपको पता ही है कि अलग अलग जगह पे आपकी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में बनता ही है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम रहेगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 0.25 की, राइट? और पेपर जो आपका सेट होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सेट किया जाएगा और फिर आपका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल वो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का होता है सर सिलेबस क्या आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी इसका सिलेबस आया नहीं है बट आई एम 100% श्योर अगर आप जानते हो JKPSI का, अगर आप एक साल पीछे चलो JKPSI का सिलेबस दिसंबर में अनाउंस किया गया था लेकिन जो रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन थी वो जुलाई में आई थी। काफ़ी सारे बच्चे जुलाई में तैयारी शुरू कर चुके थे और काफ़ी बच्चों ने लेट स्टार्ट किया था। तो आप खुद सोचिए, ये एक ग्रेजुएट लेवल सिलेबस है, ग्रेजुएट लेवल सिलेबस में आपको 4 से 5 कंपोनेंट आने चाहिए। उसमें है कंप्यूटर, इंग्लिश, GS GK जिसमें इंडिया का और J&K का आपको पढ़ना है, उसके अलावा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और थोड़ा बहुत मैथ्स। ये सेक्शंस अगर आपको आती हैं आप चाहे कोई भी पेपर हो आप उसमें अपीयर कर सकते हैं, स्पेशली JKSSB। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए सिलेबस के लिए एक और वीडियो हम लाएं अलग से जिसमें टॉपिक वाइज हम सारा डिस्कस करें कि ये टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, 1-2 दिन में वीडियो वो भी आ जाएगा।
तो यहाँ तक हो गई हमारी बात सिलेबस तक, अब चलते हैं आगे। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं इसमें आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पे स्केल जो इसका है वो है लेवल 2 का, जो भी इस रिक्रूटमेंट की प्रोफाइल के हिसाब से रखा गया है। ओके, तो अब लास्ट पोर्शन में जो आपका इस ये जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आपने डाउनलोड करना है, करियर सक्सेस की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चे JKSSB की साइट विजिट कर रहे थे बट मे बी वो डाउनलोड ना कर पा रहे हो, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जिसको आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरी कितनी वैकेंसीज़ हैं? तो आप सभी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ आई हैं। जम्मू कश्मीर की 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट, चाहे कश्मीर हिस्से की हो या जम्मू से हो, सभी में वैकेंसीज अनाउंस है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने लिए एक वैकेंसी के लिए लड़ना है, चाहे 10 पोस्टें निकले, चाहे 1,00,000 निकले, चाहे 1,000 निकले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पोस्ट का नाम। एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, डिपार्टमेंट रूरल डिवेलपमेंट कश्मीर से अगर भर रहे हैं तो रूरल डिवेलपमेंट कश्मीर। लेवल 2 की वैकेंसी है, पे बैंड है इसका 19,900 से 63,200। पोस्ट का नाम है पंचायत सेक्रेटरी। अनंतनाग की अगर मैं बात करूं, अनंतनाग में टोटल वैकेंसीज हैं 120, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और सिलेक्शन सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे लिया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी वो आपकी सिर्फ मेरिट बेस्ड होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। कुलगाम की अगर बात करें, कुलगाम में है 42, पुलवामा में 60, शोपियन में 38, बांदीपोरा में 30, बारामूला में काफ़ी वैकेंसीज हैं 122। अगर आप कश्मीर रीजन से हैं, आप देखिए अनंतनाग में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसमें ज़्यादा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बारामूला में 122 है, उसके बाद गांधरबल में 33, बडगाम में 96, कुपवाड़ा में 120। ये हो गई आपकी कश्मीर डिवीजन से। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कश्मीर से फॉल कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं जम्मू की, जम्मू डिवीजन में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की। सबसे पहले अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसीज आ गई हैं 53। सांबा के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी लाइव वीडियो में भी थे जो इससे पहले हमने दिया, अगर आपने नहीं देखा तो JKSSB पंचायत सेक्रेटरी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर क्रिएट हो चुका है करियर सक्सेस के। जो भी वीडियोज आएंगी पंचायत सेक्रेटरी के बारे में उसी में रहेंगी, तो आप एक बार उसको जरूर प्लेलिस्ट को चेक कर लेना ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। अब बात करते हैं कठुआ की। कठुआ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 102 वैकेंसीज हैं। तो कठुआ वालों अपनी इस रिक्रूटमेंट को बढ़िया से तैयारी करिएगा, हार्डवर्क अपना शुरू कर दीजिए, इस रिक्रूटमेंट को हाथ से ना जाने दें। एक गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू है वो आप सभी अच्छे से समझते हैं। किसी कारण से अगर कोई पिछला पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ, भूल जाइए उसको, अब नया टारगेट लेके चलिए, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 95 वैकेंसीज हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उधमपुर से हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ज़रूर लिखिए। रियासी में भी 58 वैकेंसीज आई हैं। डोडा में 69, किश्तवाड़ 43, उसके बाद बची हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट, तो रामबन में 62, रजौरी में 118। तो मेरे ख्याल से रजौरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पुंछ में है जी आपकी 98, टोटल बनती हैं 1,395। तो ये है आज का पूरा नोटिफिकेशन का पूरा ऑपरेशन, 1x1 करके हमने सारा डिस्कस कर लिया, जो कि मैंने एक एक चीज़ आपको कम टाइम में क्लियर कर दी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी चीज़ के बारे में। और अब क्वेश्चन आता है कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, हम बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या इसकी करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर तो आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं करियर सक्सेस का, डिटेल्स मैंने आपको सामने दे दी है। 1 जून से बैच शुरू होगा, तब तक एडमिशन्स चलेंगी, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इस नंबर पर कॉल करिए और डायरेक्टली आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पे बिजी हैं, आप दिन में टाइम नहीं निकाल सकते, कॉलेज में है, एनीथिंग कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है,
उस केस में आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम प्रिपरेशन भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्या है कि जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, बिना हार्डवर्क के अगर आप कहें कि कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसको वीडियो को मैं देख लूँ और मेरा कल पेपर पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आपके अंदर खुद होनी चाहिए वो है आपका हार्डवर्क। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस जॉब के लिए अपना कितना एफर्ट डाल रहे हैं, आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है, वो इम्पॉर्टेंट करती है रहती है। तीसरा, आपने अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ताकि बड़ी बार ऐसा होता है आप सभी फॉर्म तो भर देंगे लेकिन कुछ लोग हो सकता है महीने बाद उसको भूल ही जाएं कि मैंने कोई फॉर्म भरा था। टोटल वैकेंसीज अगर आप देखो 1395 अप्रॉक्सीमेट 1400 वैकेंसीज आपके सामने है, तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं कि जिसमें 100 वैकेंसीज है, 150 वैकेंसीज है, 60 वैकेंसी, 1395 वैकेंसीज, और ये पिछले 6 महीने से सुनने में आ रहा है कि अभी आएंगी, इसमें फॉर्म निकलेगा, ये है वो है, तो फाइनली अब आ गई है, इसका फ़ायदा उठाइए। और लास्ट चीज़, अब कुछ दिन के लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ दिन आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना है। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा बट रियलिटी है, अगर आप दिन के 10-12 घंटे लगाते हैं तो जाके आपकी गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होता है, राइट। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये जो सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बेटर वही बताएंगे। करियर सक्सेस के चैनल पे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। और अब आप सभी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा मैं। कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे आपको एक ना एक इसके बारे में वीडियो आते रहे, ताकि आपको इसके लिए हेल्प मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। अगर आप लोग इस रिक्रूटमेंट को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और बढ़िया से अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, जो जो भी आप में से स्टूडेंट्स इस बार अपना 100% 200% एफर्ट देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार यस ज़रूर लिखिएगा। और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, जो जो भी आपकी क्वेरीज है आप ज़रूर व्हाट्सएप 9419145317 पे भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी 9419145317 पर। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, 1395 वैकेंसीज JKSSB की तरफ से एज पंचायत सेक्रेटरी। तो आप सभी बढ़िया से अपना हार्डवर्क करें, डेडिकेशन से तैयारी करें, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना इस साल 2022 में ज़रूर पूरा हो। इसी के साथ करियर सक्सेस की तरफ से थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।